أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In my today's presentation, I will let you know about 16 tips to improve your writing skills. Writing skills improve करना हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन इसके लिए जो जिद्दोजहद यानी जो कोशिश है वो कोई नहीं करता. आज मैं आपको इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में 16 टिप्स ऐसे बताता हूँ जिसमें आप अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड. गो साइड बाय साइड विद मी. I will explain these tips in detail. In the first slide, let me introduce that what is writing skills. Writing skills are an important part of communication. Good writing skills allow you to communicate your message with clarity and ease to a far larger audience than through face-to-face or telephonic conversation. Writing skills kya hai? Important is communications ke role mein jo writing ka role hai. वो इंतहाई मतलब इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए. अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं या फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, इसका मतलब ये दो लोगों के या चंद लोगों के साथ आप वो डिस्कशन करते हैं. लेकिन जब आप चीज़ें राइटिंग में लाते हैं तो इसके ऑडियंस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके लार्जर ऑडियंस बनते जा रहे होते हैं. आपकी चीज़ अगर इंटरनेट पे हो तो फिर तो सुने पे सुहागा है और आप एक अच्छे राइटर से जाने माने जाते हैं. अब टिप्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. इम्प्रूव करने के लिए यानी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या स्किल्स है, आपने इसको गौर से सुनना है. ब्रश अप ऑन द बेसिस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग. आपने जो पहला काम करना है कि अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है, अपनी स्पेलिंग को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी. राइट लाइक इट्स योर ओन जॉब एंड प्रैक्टिस रेगुलरली. आप ऐसे लिखे जैसे कि ये आपका जॉब है, आपका कोई और जॉब है ही नहीं, राइटिंग ही है, और इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली कर ले, आप रोजाना के बुनियाद पे कर ले. रीड मोर सो यू डेवलप एन आई फॉर व्हाट इफेक्टिव राइटिंग लुक्स लाइक. आपने जितना ज्यादा पढ़ना होता है उतनी आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी. अगर आपने राइटिंग स्किल को मजीद इफेक्टिव बनाना है तो आपने मतलब हर चीज को नजर से गुजारना होता है. फाइंड अ पार्टनर, आस्क देम टू रीड योर राइटिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक. ऐसा पार्टनर ढूंढे जिनको ऑलरेडी जो है ना राइटिंग स्किल्स आती हो, उन्हीं के साथ आप अपना नाता जोड़ दें और उन्हीं से अपने राइटिंग के बारे में फीडबैक लेते रहे. ज्वाइन अ वर्कशॉप मीटअप और टेक अ राइटिंग नाइट क्लास. दो चीज, या तो वर्कशॉप जो राइटिंग स्किल्स से होती है आप इसको रेगुलरली अटेंड करें, मीटअप ऐसे लोगों के साथ अपनी मुलाकात रखें जो राइटिंग स्किल्स को जानते हैं, और टेक अ राइटिंग नाइट क्लास. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिशियली काम में मसरूफ होते हैं तो नाइट में आप इसके साथ ट्यूशन रख ले या कोई ऐसी अकेडमी जहाँ पे राइटिंग सिखाई जाती है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा. टेक द टाइम टू एनालाइज राइटिंग यू एडमायर. आपने उस जिससे ज्यादा आप मुतासर हैं उसकी राइटिंग आप पढ़ ले और इसी को एनालाइज करें कि इसने क्या लिखा है. इमिटेट राइटर्स यू एडमायर. नकल करें उन राइटर्स को जो कि जिनकी आप ज्यादा तारीफ करते हैं या उससे ज्यादा मुतासर है. मतलब हर बंदे की कोई ना कोई राइटर होता है. उर्दू वाले को अगर जावेद चौधरी की राइटिंग पसंद है तो आप उसकी जो है ना राइटिंग को फॉलो करें. किसी को जो ना वो किशोर नाहिद की पसंद है तो किशोर नाहिद की राइटिंग को फॉलो करें. अगर आप अंग्रेजी में कामिला शमसी की राइटिंग या हैरी पॉटर की या इस तरह किस्म के फिक्शंस जो आपको पसंद है आप उसको मतलब गो थ्रू करें, रेगुलरली इसको पढ़ ले तो आपकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. आउटलाइन योर राइटिंग. आपने जब भी राइटिंग शुरू करनी है पहले आपने ना आउटलाइन बनाने कि मैंने अपने राइटिंग में किस किस चीज़ों का अहाता करना है. एडिट योर राइटिंग. हमारी जो है ना पाकिस्तानियों में या बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज में जो लोग लिखते हैं वो अपने पहले ड्राफ्ट को हर चीज समझता है. तो एडिट योर राइटिंग आपने बार बार गो थ्रू करना है, अपनी जो है ना गलती को आपने नोटिस करना है और इसी गलती को आपने जो है ना फिर रिवर्स कंडीशन लाना है. अब आप जब जो जो आप एडिट करते रहेंगे अपने राइटिंग में तो आपकी राइटिंग में निखार आ जाएगी. एक्सेप्ट डेट फर्स्ट ड्राफ्ट आर ऑफन बैड एंड रिवाइज. आपने ये कबूल करना है कि आपने जो पहला ड्राफ्ट लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है, आपने इसको बार बार रिवाइज करना है. फाइंड एन एडिटर हु डिमॉन्स्ट्रेट पैशन. ऐसे एडिटर को आप देख ले जो आपको मतलब सब्र से सुन ले, आपकी राइटिंग पे फीडबैक दे दे, आपको जो है ना
गाइडलाइन दे दे, आपको जो है ना ये मेंटोरशिप जैसे कहते हैं, आप एक मेंटोर बनाए जो एक अच्छे राइटर है, आप इसी से रابطे में रहे तो वो आपकी राइटिंग में मजीद निकाल ला सकते हैं। इलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स फ्रॉम योर राइटिंग। समटाइम हम अपनी राइटिंग में बट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, डियर फॉर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हेंस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो कोशिश करें कि डिसेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करें और जो अननेसेसरी वर्ड्स है इसको अवॉइड करें अपनी राइटिंग में। रिव्यू योर अर्लियर वर्क एंड सी हाउ यू हैव ग्रोन। आपने ये भी देखना है कि आपने पिछले साल एक ड्राफ्ट या कोई आर्टिकल या कोई पीस प्रेजेंट किया था, या आपने इंटरनेट पे दिया, या आपने पहले कहीं डायरी में लिखा हुआ या रजिस्टर में लिखा है, तो आप गो थ्रू करें कि आपकी राइटिंग में और उसकी राइटिंग में क्या फर्क है, तो आपको अपनी मेच्योरिटी राइटिंग नजर आ जाएगी कि मैंने अपनी राइटिंग को आया इम्प्रूव किया है या इससे भी ज्यादा बेकार हो गया। डोंट बी अफ्रेड टू से वट यू मीन इन वट यू राइट। किसी से डरना वरना नहीं, जो आपने लिखना है, जो आपका मकसद है, आप अपनी चीजों को राइटिंग में एक्सप्रेस करें। मेक श्योर यू डू एडिक्वेट रिसर्च ऑन योर टॉपिक। ये भी आप यकीन रखें कि आपने रिसर्च करना, रिसर्च के बगैर आपकी मतलब राइटिंग, आप किसी भी टॉपिक पे लिखना चाहते हैं तो इस पे खूब रिसर्च करें, इसी से आइडिया ले लें और सब आइडियाज को कैप्चर करके अपनी एक समरी माइंड में क्रिएट करें, इसको एक्सपेंड करें। डोंट डिले राइटिंग, गेट इट डन नाउ। अभी मजीद देर नहीं करनी, अभी से आपने राइटिंग शुरू करनी है और अपनी राइटिंग को निखार लाने के लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा, वो ये है कि टू एक्सप्रेस ना टू इम्प्रेस। आपने किसी को जो ना इम्प्रेस नहीं करना, बल्कि जो आपके जहन में आइडियाज आ रहे हैं आप लिखे। आपको पता है कि अंग्रेजी या दूसरी जुबान इस पे हमारा अबूर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसमें एक्सप्रेशन लाते हैं जिसका आप अंदाजा लगाए कि आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, आप पढ़े पढ़ ले, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी राइटिंग में निखार आती जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की लेक्चर पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।